मेरे नौजवान साथियों कब होश में आओगे? डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चे ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, फिक्स्टर में काम कर रहे हैं, आउटसोर्स में काम कर रहे हैं, 10-12 हजार में काम कर रहे हैं, 2-4 साल काम करके नौकरी से निकाल दे रहे हैं, इस कारखाने में धक्का खा रहे हैं, उस कारखाने में धक्का खा रहे हैं। कब हम सुधरेंगे? कब हम समझेंगे? किस दिन हम होश में आएंगे? कब हमको ये समझ में आएगा कि हमारा जिंदगी लुट गया, इसको बदलना चाहिए? कब तक हम अंधभक्ति में जिएंगे साथियों? सब कुछ खत्म हो गया, अब होश में आ जाओ। सब कुछ खत्म हो गया, अब होश में आ जाओ। सारा 44 श्रम कानून खत्म होकर के 4 संहिता बनना, परमानेंट नौकरी खत्म, परमानेंट नौकरी खत्म। ठेकेदारी में काम करना है, फिक्स्टर में काम करना है। जब दिन जिस दिन मालिक को आएगा उस दिन भगाएगा, जब जब जो है रखना होगा रखेगा, जब भगाना होगा भगाएगा। आप ना कोर्ट जा सकते हो, ना कचहरी जा सकते हो, ना आपकी कोई सुनेगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये सारे कानून इस लड़ाई में हड़बड़ में देश को हिंदू मुसलमान के झगड़े में लगा दिया है और ये सारे कानून पारित कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है आप सोचो और अंधभक्ति से बाहर निकलो, नहीं तो इसी तरह से कुटना पिटना लुटना। और ये आपकी अभी कुटाई भी चालू है, पिटाई भी चालू है। कारखानों के अंदर तो बहुत बुरी दुर्दशा हो गई, आपको नौकरी फोकरी कहीं मिलने वाली नहीं है। समझ आई? अगर समझ आई तो दूसरों को समझाओ, होश में आ जाओ। और होश में आने के साथ आज के जो जो गलत चीज है, गलत मुद्दे हैं, जो गलत ये कानून बनाए गए हैं, इनको हटाने के लिए सामने आओ, खड़े हो जाओ, अंधभक्ति से बाहर निकल जाओ। ये मेरा आपसे अपील है, निवेदन है कि होश में आ जाओ।